हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो इंडिया वर्सेस अफ्रीका के बीच में प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी आंकड़ा दिखाता हूं। प्लीज़ इस आंकड़े को देखो, देखोगे तो सच में ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको रियलिटी चेक मिलेगा, हकीकत आपको पता चलेगी। आपको पता है इससे पहले जो भी मैचेस हुए थे, मतलब लास्ट मैच की बात करूँ तो एंट्री फ़ीस जो थी वो 49 रुपये थी, लेकिन देखो इस मैच के लिए जो एंट्री फ़ीस हो गई, क्योंकि इंडिया का मैच है ना, तो एंट्री फ़ीस ड्रीम इलेवन वालों ने कितना कर दिया है, घटा करके इसको 36 रुपये कर दिया। सोचो पहले जो 49 रुपये एंट्री फ़ीस, तो उसके लिए जो स्पॉट्स थे वो तकरीबन 1,80,00,000 के करीब थे, लेकिन सोचो 49 रुपये से घटा करके 36 रुपये कर दिया है, तो अब उसने क्या कर दिया है, ये देखो 1,86,00,000 यहाँ ऑलरेडी स्पॉट भर चुके हैं और अभी भी 1,77,00,000 स्पॉट अभी बाकी हैं। यानी 1,86,00,000 और 1,77,00,000 अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो तकरीबन आता है 3,66,00,000। यानी 3,66,00,000 लोग होंगे जो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे मेगा ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट करके पहले नंबर पे आने की, यानी 3,66,00,000। अब जरा मैं आपको बताता हूँ आपके आने के प्रतिशत क्या है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। जरा मैं आपको कैलकुलेट करके ये बताता हूँ कि सोचो 3,66,00,000 जो टोटल लोग हैं, सबने एंट्री कितने रुपए की बनाई है, 36 रुपये। तो 3,66,00,000 को अगर आप 36 रुपये से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो तकरीबन गाइस पता है कितने हो जाएंगे, 130 करोड़। यानी सिर्फ एक मैच में सारे लोगों का पैसा मिला करके 130 करोड़, 1,30,00,000 नहीं गाइस, 130 करोड़ हो जाता है पूरा पैसा। अब एक बात समझो, इस 130 करोड़ जो होगा, अब 130 करोड़ को देखो ये कितना प्राइज मनी दे रहे हैं यार, ये देखो यही ना प्राइज मनी है, ये प्राइज मनी आप देख लो कितना है, यही है ना। अब सोचो ये जितने प्राइज मनी है इनको पूरा आप जोड़ भी दोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चलो मान लेते हैं कि 80 करोड़, ठीक है 80 करोड़ मान लेते हैं कि लोगों ने प्राइस वगैरह बांट दिया, तो भी यार सीधा देखो 50 करोड़ रुपए सिर्फ एक मैच से ड्रीम इलेवन क्या करता है, बचा लेता है। तो देख लो कितनी ज़्यादा, जस्ट इमेजिन सोच के देखो कि हर एक मैच में 50 करोड़ ड्रीम इलेवन बना रहा है, तो सोचो हर रोज़ कितने कितने मैचेस हो रहे हैं और कितने अलग अलग देशों के मैचेस करा रहे हैं, तो कितने पैसे बन जाते हैं जरा सोच करके देखो। अब इतना मत सोचने लगना कि कल जा करके आप ड्रीम इलेवन का ऐप बनाने लगो, ठीक है। तो ये था मैंने दिखाया कि कितना कमा रहा है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सोचो मैंने बताया था ना कि 3,66,00,000 लोग हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे और पहले नंबर पर आने की कोशिश करेंगे, तो आपकी क्या संभावना है पहले नंबर पर आने की और 2 करोड़ जीतने की। ये देखो पहला प्राइस क्या है 2 करोड़, दूसरा प्राइस क्या है 1 करोड़। तो आप मुझे बताओ कि आपकी संभावना कितनी है पहले नंबर पे आने की। तो आपको निकालने का मैं तरीका बता देता हूं। अगर मान लो आपने एक टीम बनाई है तो एक टीम को आप डिवाइड कर लेना 3,66,00,000 से। यस, एक अपने स्पॉट को जो आपका पहला स्पॉट है ना, एक ही पहले नंबर पे आना चाहते हो तो अपना एक जो आप एंट्री करोगे इसको डिवाइड कर लेना 3.66 करोड़ से, यानी 3,66,00,000 से। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.00000000, मतलब ऐसे 0 0 बोलते जाना और लास्ट में आकर के कहीं एक आएगा और उतना ही प्रतिशत आपके चांस होंगे। तो सोचो आपके पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे आने के प्रतिशत कितने हैं, सोच लो 0.00000 करके बस जोड़ते चले जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा कितने जीरो लगा दोगे, उतने प्रतिशत आपके चांस है। अब आप बताओ कि क्या कोई भी ऐसी स्ट्रैटजी हो सकती है जो आपको इतना प्रतिशत, जो इतना कम चांसेस है आपके पहले नंबर पे आने का, कोई ऐसी स्ट्रैटजी है जो पहले नंबर पे आपको ला सकती है। सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रैटजी के आधार पे कभी भी पहले नंबर पे नहीं आ पाओगे। अगर आपको पहले नंबर पे आना है या फिर आ सकते हो तो स्ट्रैटजी के साथ साथ किस्मत का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, तब जाकर के आप आ सकोगे। तो आप ये कहूंगा किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन स्ट्रैटजी हमारे हाथ में है, तो स्ट्रैटजी को सीखो। स्ट्रैटजी को सीख जाओगे तो अगर पहले नंबर पर नहीं तो कम से कम टॉप 100 में आ सकोगे। मैं आपको अपनी वीडियो में स्ट्रैटजी समझाता हूं कि एक बार झटके में 1-2 करोड़ कमाने से अच्छा है कि स्ट्रैटजी सीख जाओ, ताकि स्ट्रैटजी सीख जाओगे तो हर बार टॉप 100 टॉप 50 में आओगे और लंबे समय तक खेलते रहोगे तो 1-2 करोड़ से भी ज्यादा कमा लोगे। तो मैं आपको बस स्ट्रैटजी ही समझाता हूं, तो स्ट्रैटजी को इस वाले वीडियो में भी समझाऊंगा। बेसिक चीज़ मेरी वीडियो को फॉलो करते रहोगे तो कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको समझाता रहता हूं। अब चलो प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का अब मैं प्रिडिक्शन करना चालू करता हूं। और देखो मैच जो होने वाला है कहां होने वाला है, हमें पता है कि जो मैच होने वाला है वो ईडन गार्डन होने वाला है, और जो ईडन गार्डन की जो पिच है यार, मतलब समरी शॉट में बता देता हूँ, बॉलिंग पिच है, बॉलर्स को ज़्यादा मददगार है। 32 मैच हुए हैं, पहला जिसने खेला है 19 जीता है, सेकंड इनिंग वाले 13 मैच जीते हैं। यानी आप कोई भी टॉस जीत रहा है, टॉस जीत के क्या लेना चाहेगा, बैटिंग, क्योंकि देखो 19 मैच जीता है। एवरेज स्कोर देखो तो 253 का रहा है, हाईएस्ट स्कोर 404 5 विकेट के नुकसान पर है, और लोवेस्ट स्कोर जो रहा है वो 120 रन पे कोई टीम होगी जो ऑल आउट हो गई होगी। लेकिन ये बोला जा सकता है कि क्या है, बॉलिंग पिच है, और देखो कोई भी टीम होगी जो टॉस जीत के क्या करना चाहेगी, बैटिंग करना चाहेगी। स्कोरिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो 200 से कम
पांच बार बने हैं, 200 से 249 के बीच में 10 बार रहा है, 250 से 300 के बीच में 11 बार रहा है, और 600 से 300 से ज़्यादा 6 बार। तो दोनों चीज़ देखने को मिल रहा है कि 200 से कम रन 5 बार बने हैं और 300 से ज़्यादा भी रन 6 बार बने, यानी दोनों चीज़ देखने को मिल रही है। और वैसे भी अफ्रीका और इंडिया की जो टीमें हैं इसमें जबरदस्त बैट्समैन भी हैं और जबरदस्त बॉलर्स भी हैं, तो दोनों मतलब बराबरी का मतलब टक्कर का मैच होने वाला है। एक तरफ कौन है, इंडिया है जो लगातार मैच जीतते आ रही है, एक तरफ कौन है, साउथ अफ्रीका है जो वो भी टीम है जो सारी मैच अपने जीतते आ रही है। लेकिन आपको पता है कि क्या एक ही मैच थी जो उसने किससे हारा था, नीदरलैंड से हारा था। तो मैं अब आपको बता देता हूँ, पिछले 7 मैच का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो पेसर्स ने 77 विकेट लिया है और स्पिनर्स ने 36 विकेट लिया है। अब मैं आपको ऊपर जितनी मैंने बातें बताई है उस आधार पर मैं आपको की नोट देता हूँ, ध्यान से देखना। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो क्या करना चाहिए, बैटिंग करना चाहिए। और समझो अगर साउथ अफ्रीका मानते कि पहले बैटिंग करती है तो चांसेस उसके 50 से 60% जीतने के चांसेस है, लेकिन अगर सेकंड बैटिंग करती है तो उसका इम्पॉसिबल है कि वो जीत सके। सेकंड इनिंग खेलती है तो कभी नहीं जीत पाई, क्योंकि सेकंड इनिंग में हमको पता है कि ये क्या कर जाएंगे, चोक कर जाएंगे। क्योंकि वैसे भी सेकंड इनिंग में क्या होगा, बॉलर्स को मदद मिलेगी और मदद भी तो मिल भी रही है, प्लस हमारे शमी, हमारे बुमराह और हमारे सिराज ये जो कहर बरपा रहे हैं ना, ये किसी खिलाड़ी का करियर नहीं बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि ये पूरे टीम का करियर बर्बाद कर दे रहे हैं जिस तरीके के फॉर्म में है। हाल फिलहाल में देखो श्रीलंका के इन्होंने करियर बर्बादी कर रखा है, तो सेकंड इनिंग में ये चोक कर जाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। एक और कार्ड बताता हूँ कि ये क्यों चोक कर जाएंगे, इसके पीछे और भी लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक ये है कि ये नीदरलैंड के खिलाफ क्या हुआ था, ये हार गए थे, आपको पता है नीदरलैंड के खिलाफ ही हारे थे। अब इसके पीछे कारण ये था क्यों, क्योंकि ये प्रेशर में आ चुके थे, ये प्रेशर में थे इसलिए क्या कर गए, चोक कर गए। आप सोचते हो कि कैसे प्रेशर, क्योंकि जो नीदरलैंड के खिलाफ जो 2020 मैच हुआ था पिछला वर्ल्ड कप, जहां हमें लग रहा था कि पाकिस्तान बाहर हो जाएगी, अफ्रीका सेमीफाइनल पहुंच जाएगी, नीदरलैंड से ये हार गए थे। मतलब वो प्रेशर मैच था, साउथ अफ्रीका को बस चुपचाप से जीत जाना था और जीत जाते सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं, लेकिन उतना भी प्रेशर नहीं झेल पाए और ये क्या कर गए, चोक कर गए। तो यार इंडिया के खिलाफ अगर ये सेकंड इनिंग खेलेंगे तो आपको नहीं लगता है कि दोबारा से चोक करेंगे, ऑब्वियसली दोबारा से क्या करेंगे, चोक करेंगे चरेंगे। तो इसलिए मैंने बोला है कि अगर साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करती है तो वो इम्पॉसिबल है उसका जीतना। अब हम आपको दिखा देते हैं कि टीम का जो सिलेक्शन आप करोगे वो किस तरीके से करोगे। यार यही स्ट्रैटेजी आपको यही समझना है कि टॉप 100 टॉप 50 में आना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी को समझो कि टीम का जो सिलेक्शन करना है वो कैसे करना है। आप एक टीम ए लो, टीम ए मैंने नाम रखा है, टीम ए ये सोच के बनाओ कि साउथ अफ्रीका क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है। टीम बी आप बनाओगे जो ये सोचोगे कि साउथ अफ्रीका बैटिंग सेकंड। टीम सी बनाना जिसमें ये आप मान के चलो कि साउथ अफ्रीका जीतेगी, उस आधार पर खिलाड़ियों को लेना है। टीम डी आप बनाओगे जिसमें ये मानोगे कि इंडिया मैच जीतने वाली है और उस आधार पे आप क्या करोगे, प्लेयर्स को रखोगे। और टीम ई आप रखोगे जिसमें आप अंडरडॉग्स रखोगे, मतलब वो खिलाड़ी जो अंडरडॉग्स हैं, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि वो खिलाड़ी जिनको कम लोगों ने क्या किया है, सिलेक्शन का किया, यानी लेस परसेंट प्लेयर वालों को लेना। और टीम एफ रहेगा जो मैक्सिमम क्या रखोगे, सिर्फ और सिर्फ बॉलर्स रखोगे, मतलब सिर्फ बॉलर नहीं, मैक्सिमम आप बॉलर्स को ही रखोगे, क्योंकि ये क्या है, बॉलिंग पिचर, तो बॉलिंग के मददगार है। ध्यान देना, एक टीम बना करके आप कभी भी 1 करोड़ 2 करोड़ या टॉप 100 में नहीं आ सकते, आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा और एक से ज़्यादा टीम आपको बनानी पड़ेगी, तब जाकर के हो सकता है कि आप टॉप 100 में आओगे। तो हर बार ऐसा करते रहोगे तब जाके आपका फायदा होगा। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉप पिक प्लेयर्स होंगे, मतलब ज़्यादातर लोग इन्हीं को टॉप अपने क्या करेंगे, टीम में पिक करेंगे, तो उनको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से होंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, शमी, ये सभी लोग अपनी टीम में रखेंगे, आप भी रख लेना। डिक कॉक, मार्करम, वैंडर डुसेन और मार्को जेंसन, ये 8 खिलाड़ी होंगे जो सभी के सभी लोग अपने टीम में रखना चाहेंगे। तो आप भी इनको क्या करना, अपने टीम में रख लेना, ज़्यादा करिश्मा करने की कोशिश मत करना और मतलब बेसिक चीज़ों को मतलब एक्स्ट्रा करने के चक्कर में, आउट ऑफ द बॉक्स चक्कर में उन खिलाड़ियों को मत बाहर कर देना जो बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये सेफ कैप्टन की मैं बात करता कि सेफ कैप्टन कौन कौन सा हो सकता है। सेफ कैप्टन विराट हो सकता है, डिकॉक हो सकता है, शमी हो सकता है, मार्को जेंसन। मार्को जेंसन का हाल फिलहाल फॉर्म देख रहे हो, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन देता है, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन देता है। विराट का बर्थडे है, यस गाइस, विराट का 5 नवंबर को बर्थडे है और सभी चाहते हैं कि 49वां सेंचुरी वहां पे मारे, तो नो डाउट विराट बहुत अच्छा खेलेगा, ऐसी गट फीलिंग है कहीं ना कहीं। डिकॉक अच्छे फॉर्म में और शमी का तो बोलना ही नहीं, ये हमारी टीम का क्या है, फरारी है। अब अगर हम बात करते हैं रिस्की कैप्टन, अगर रिस्की कैप्टन को आप रखना चाहोगे तो रबाडा, अय्यर, क्लासेन, सिराज, ये 4 ऐसे खिलाड़ी होंगे आप क्या कर सकते हो रिस्की कैप्टन के। मेरे लिस्ट में ये रिस्की कैप्टन है, अगर इनको आप रखते हो, रिस्क लेते हो तो रिस्क से ही रिवॉर्ड है, और रिस्क अगर लेता है जो इंसान, उसको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो शायद हो सकता है कि रिस्की कैप्टन को आप डालोगे तो आपको रिवॉर्ड हासिल हो सकती है। अब ट्रम्प कार्ड प्लेयर की बात करते हैं, कौन सा खिलाड़ी होगा जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, तो वो ट्रम्प कार्ड वाले मेरे प्लेयर होंगे, लुंगी एनगिडी। यस गाइस, लुंगी एनगिडी ट्रम्प कार्ड हो सकता है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। कुलदीप यादव, स्काई, यस स्काई भी हो सकता है, स्काई अगर चेस करता है तो स्काई आप क्या करो,
टीम में डालना, क्योंकि स्काई कहाँ पे खेलेगा, ईडन गार्डन में, और स्काई कोलकाता नाइट राइडर का प्लेयर था और पुराना एक्सपीरियंस इसके पास है। और ये चौथा जो ट्रम्प कार्ड मैंने रखा है वो रखा है जी कोएड जी को रखा हुआ है, आप देखोगे वो बैंड लगा खेलता है ना ये खिलाड़ी, ये हमारे ट्रम्प कार्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो बताया है, इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, इसके आधार पे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, बेसिक चीज़ें कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं गाइस टीम की तरफ कि टीम में क्या करना है, टीम को सिलेक्शन कैसे करना है। तो मैं आपको दो टीमें पहले मैं दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने पिक कर रखा है, तो मैं उन टीमों को मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं टीम की तरफ, मैं अपने टीम को मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये मैंने टीम बनाया, और ये जो टीम मैंने बनाया मैंने इस आधार पर बनाया है कि ये इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। मैंने आपको 5-6 तरीका बताया है ना, टीम ए टीम बी टीम सी करके 5-6 तरीका, 6 तरीका बताया है मतलब, तो 6 में से ये पहला, इसमें से एक मैं ये बताता कि मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडिया क्या कर रही है, पहले बैटिंग कर रही है। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है इसका मतलब ये हो जाता है कि इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रही है, और इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रही है इसका मतलब ये हो जाता है कि अफ्रीका क्या करेगी, चेस करेगी। तो जब अफ्रीका चेस करेगी उसकी वॉट लगेगी, और वॉट लगाने वाला कौन होगा, हमारे फरारी। और फरारी कौन है आप तो जान गए होंगे नाम सुनते ही, फरारी, शमी, बुमराह और सिराज, ये दख रख लो। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है इन तीनों को रख लो, ये क्या करेंगे, ये बर्बाद कर देंगे अफ्रीका वालों को, खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं तीनों। तो शमी, बुमराह और सिराज तीनों को रख लेना। ठीक है, ये कब, जब इंडिया क्या कर रही है, पहले बैटिंग कर रही है। अब जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो रोहित शर्मा को आप रखो अपनी टीम में, करंट पिछला मैच में ये क्या हुआ था, पिछला मैच में ये लेफ्ट हैंडर बॉलर के सामने बोल्ड हो गया था मधुशंका के सामने, और मैंने वो भी प्रेडिक्शन की थी उस वाले में, मैंने बताया था कि रोहित शर्मा का फ्लॉप होगा, आज चलेगा नहीं, बाहर कर दो, उसको आउट करने वाला होगा जो मधुशंका होगा। तो मैंने वो प्रेडिक्शन किया था, वो प्रेडिक्शन मेरा राइट हुआ था। बट इस बार रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, अपनी गलती को सुधारेगा और मार्को जैनसन के आगे वो अच्छा परफॉर्म करेगा। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे डर भी है कि मार्को जैनसन कहीं रोहित शर्मा का आउट ना कर दे, बट मुझे लगता है कि मार्को जैनसन इस बार रोहित शर्मा का आउट नहीं कर पाएगा, और रोहित शर्मा लेफ्ट हैंडर के सामने संभाल के खेलेंगे, और क्योंकि पहली इनिंग है तो और भी बेफिक्र होकर लंबा स्टार्ट दे सकता है। तो रोहित शर्मा को मैंने रखा है, विराट कोहली 5 नवंबर बर्थडे मैंने बोला है रखना है, शुभमन गिल को रख लो। तो ऊपर से टॉप ऑर्डर मैंने रोहित शर्मा, गिल और विराट को रख दिया है, अब बीच में मैंने जडेजा डाल दिया क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देगा, उसके बाद ये मैंने 3 अपने फास्ट बॉलर को रख दिया है। और अफ्रीका की बात करेंगे तो हम अफ्रीका के बारे में हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अफ्रीका के ऊपर के जो बैटिंग है वो क्या होगी, कोलैप्स होगी, तभी तो हमने शमी, बुमराह और सिराज को रखा है। तो जब ऊपर से कोलैप्स होगा तो कौन संभालेगा इनको, क्लासेन, क्लासेन आपको पॉइंट देके जाएगा, मार्क्रम जिम्मेदार प्लेयर है पॉइंट देके जाएगा, मार्को जैनसन बैटिंग से भी आपको क्या करेगा, पॉइंट देकर के जाएगा। और मैंने रबाडा को भी रख दिया, रबाडा यार मुझे लगता है कि रबाडा भी अच्छा बॉलर है, लगता क्या है, नो डाउट रबाडा अच्छा बॉलर है तो आपको रखना चाहिए। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, मैंने फरारी यानी शमी को कैप्टन अपना बना दिया है, 4 विकेट 5 विकेट गाइस फिक्स है। और वाइस कैप्टन के तौर पे मैंने किसको रख दिया है, विराट कोहली को रख दिया, क्योंकि इसका बर्थडे है, बहुत उम्मीद है और विराट कोहली भी परफॉर्म करना चाहता है। तो आप चाहो तो सेम टीम बनाना, सेम रख देना, और आप चाहो तो सेम टीम बना करके कैप्टन शमी को बना देना, मतलब दूसरी टीम, एक और टीम, तो शमी को कैप्टन, उसमें रोहित शर्मा क्या बना देना, वाइस कैप्टन बना देना गाइस। तो ये था मेरा पहला टीम, अब मैं आपको दूसरी टीम अपनी दिखा देता हूं। ठीक है, यस गाइस, तो अब मैंने दूसरी टीम मैंने खोल दी, और ये दूसरी टीम मैंने खोली है ये सोच कर खोला है, ये मैं दिखा रहा हूँ कि अगर अब मैं मान के चलता हूँ कि अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो, पिछला वाला मैंने दिखाया था कि इंडिया पहले बैटिंग, और इस बार मैं दिखा रहा हूँ कि अफ्रीका पहले बैटिंग। तो अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करेगी तो गाइस आप किसको रखो, डिकॉक को रखो, ठीक है, उसके बाद ये आर वेंडरसन वॉट एवर जो भी नाम है इसको रखो टीम में, ये खेलेगा, करंट फॉर्म इसका अच्छा है। नीचे आप क्या कर सकते हो, मेलर को रख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और समझो, आप रबाडा को रखना, रबाडा अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करती है तो, यानी रबाडा सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा ना यार, तो अगर रबाडा सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो ये ध्यान देना, ये बहुत घातक हो सकता है। इंडिया के प्लेयरों को देखते ही पता नहीं इसका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा हाई हो जाता है, पता नहीं और भी खूंखार हो जाता है। तो सेकंड इनिंग में रबाडा बहुत खूंखार है, मैंने इसको क्या बनाया, वाइस कैप्टन बनाया है। मार्को जैनसन को भी आप रखना, और क्या करना, मिलर को अब बैटिंग देगा, डिकॉक ऊपर से बैटिंग देगा। आप चाहो तो आप, और देखो मैंने कैप्टन के लिए ना इसको चुना है यार, कैप्टन मैंने फिक्स ही कर दिया, शमी पहले बॉलिंग करे या सेकंड बॉलिंग करे फर्क नहीं पड़ता है, शमी को रखा है। और इसी का आप एक और कॉपी पेस्ट कर सकते हो टीम, और जिसमें आप क्या कर सकते हो, रबाडा को वाइस कैप्टन और डिकॉक को क्या कर सकते हो, कैप्टन बना सकते हो। विराट कोहली को मैंने रखा हुआ है क्योंकि जब चेस की बात आएगी तो विराट कोहली से बेटर पूरे वर्ल्ड में कोई चेजर नहीं है, तो चेस करने में माहिर है सूर्य कुमार यादव। मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली आगे तक लेकर के जाएंगे और ऊपर से कोलैप्स होता है तो विराट और राहुल ये दोनों टीम को संभालेंगे, कुछ दूर लेकर के जाएंगे, ऊपर से कुमार यादव आएगा जहां तेज पारी खेलेगा और जिताने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि मैच कहां है, ईडन गार्डन, और उसके बाद जडेजा उसका क्या करेगा, साथ देगा। तो इस तरीके से मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप देख लेना। इसके अलावा भी और भी 4 ऐसी हैं
मैंने बताया ना ए बी सी डी ई एफ, सिर्फ दो बताया है, अभी चार और भी है जो कि मैं कहीं टेलीग्राम में डाल दूंगा। गाइस मेरी जो भी प्रेडिक्शन अब तक रही ना सबसे बेस्ट रही है लिटरली। आप सोचो मैंने रोहित शर्मा को बोला था कि बाहर कर दो नहीं चलेगा, मैंने बोला था मधुशंका उसको आउट करेगा उसी ने किया, मैंने बोला था मधुशंका को आप रखो विकेट लेगा उसने लिया, गिल फॉर्म में नहीं था मैंने बोला कि गिल को रखो गिल खेलेगा कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो उसने किया, अय्यर फॉर्म में नहीं था मैंने बोला अय्यर को डालो अय्यर परफॉर्म करेगा कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो उसने किया, मैं था जिसने मैंने बोला था कि बुमराह को बाहर कर दो बुमराह परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा और बुमराह की जगह आप सिराज डाल दो, सिराज जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था बुमराह कर रहा था, मैंने बोला फिर भी कि बुमराह को बाहर करो सिराज कर डालो सिराज परफॉर्म करेगा कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, एंड ट्रस्ट मी यार सबका सब प्रेडिक्शन सही हुआ है एंड आई रियली होप आई रियली विश ये भी प्रेडिक्शन मेरी सही हो। अपना प्यार देना अपना सपोर्ट देना चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे बेस्ट प्रेडिक्शन मैं अपना देता रहूंगा, अपना ख्याल रखना, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।